नमस्कार, विजन यूपीएससी चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे बटन को दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में। तो ये जो लिस्ट दिख रही है, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की ये नदियाँ हैं। पहला यूकॉन, दूसरा मैकेंजी, तीसरा चर्चिल, चौथा नेल्सन, पांचवा सेंट लॉरेंस, छठा हडसन, सातवां पोटोमैक और आठवां मिसिसिपी, नौवां मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोरेडो, सेंट जाक्विन, सेक्रामेंटो, कोलंबिया, फ्रेजर। देखिए, इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं, तो उनको ऐसे डायरेक्ट देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप, जिसमें आप सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये आई थिंक आप लोग अब परिचित हो चुके हैं सारे नॉर्थ अमेरिका के भाग से। तो ये वाला कौन सा भाग है? तो ये है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? यूएसए का। तो ये वाला जो ब्रुक्स रेंज, ये यहाँ है ब्रुक्स रेंज और ये है अलास्का, यहाँ पे है मैकेंजी रेंज। तो जो मैकेंजी से निकलती है यूकॉन नदी, जो पहला नदी है वो यूकॉन नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मैकेंजी से, मैकेंजी से निकलते हुए वह ये है कनाडा में, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये है कनाडा से, यानी कनाडा से निकलती है फिर यूएसए में जाती है। और यह किस कहाँ पे गिरती है? बेरिंग सागर में, बेरिंग जल संधि जो भाग है वहां पे गिरती है। तो यहाँ से कितने चीजें आती हैं कि कहाँ से निकलती है? तो मैकेंजी पर्वत से निकलती है। और उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यूएसए से होता है। यूएसए की अलास्का से होता है या जर्मनी से होता है? यानी जर्मनी से होता है, सॉरी कनाडा, कनाडा से होता है, जर्मनी नहीं कनाडा। और ये यूकॉन पठार, जो ये बीच वाला पठारी भाग है वो यूकॉन पठार है, यूकॉन पठार से होते हुए जाती है बेरिंग सागर में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कनाडा की नदी जो है, जो कनाडा में ही गिरती है। तो ये है आपको दिख रहा है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। तो यह नदी निकलती है, जो दूसरा वाला भाग है उससे भी आप परिचित हैं, वो है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। और जो ऊपर वाला भाग है वो ग्रेट बेयर लेक, जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ग्रेट बेयर लेक है, ये वाला ग्रेट स्लेव लेक है। यह अथाबास्का लेक, यह रेंडियर लेक, यह विनिपेग लेक और यह है, देख लेंगे उसको। तो ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है मैकेंजी नदी, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है मैकेंजी नदी, जो ये दिखाया गया है। और गिरती कहाँ है? ब्यूफोर्ट सागर में, ब्यूफोर्ट सागर या फिर ये आर्कटिक सागर वाला भाग, आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो ये वाला भाग कौन सा है? ग्रेट स्लेव लेक। एक कहाँ गिरती है? या तो ब्यूफोर्ट सागर दे सकता है या आर्कटिक महासागर। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहीं पे बता देता हूँ। एक आर्कटिक वृत्त, यानी आर्कटिक लाइन जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? तो इस वाले भाग से गुजरती है। ये क्या नाम है इसका? ग्रेट बियर लेक, इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। आर्कटिक वृत्त कहाँ से जाती है? ग्रेट बियर लेक से होते हुए, हडसन की खाड़ी से होते हुए, और ये हडसन की खाड़ी से होते हुए ग्रीनलैंड वाले भाग से, बैफिन द्वीप से होते हुए जाती है। और हाँ, जो मैकेंजी नदी है वह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद चलते हैं चर्चिल, उसके बाद आता है नेक्स्ट
चर्चिल और निल्सन। ये छोटी नदियां हैं कनाडा की, जो कनाडा से निकल के कहाँ गिरती हैं। ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, ये वाला हडसन की खाड़ी। तो ये सामान्य नदियां हैं। एक चीज आप ये देख सकते हैं किन दोनों के बीच में है, किन दोनों के बीच में है, तो ये कौन सा लेक है, अथाबास्का, और ये कौन सा है, रेंडियर। अथाबास्का और रेंडियर के बीच में पूछ सकता है कौन सी दो नदियां हैं, तो चर्चिल और नेल्सन। कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं हडसन की खाड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कौन सा है, ये वाला जो भाग है, सेंट लॉरेंस नदी, जो यहाँ से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से यहाँ पे गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ओंटेरियो झील। ये वाला जो है ग्रेट लेक्स, ये ग्रेट लेक्स की ये 5 झीलें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका के लिए। ग्रेट लेक्स की झीलों का क्रम पूछ दिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम, सॉरी झीलों का क्रम बताएं। तो क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है इसका, क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्रेट लेक्स का क्रम क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए। सुपीरियर लेक पहले, सुपीरियर लेक, फिर यूरोन लेक, सुपीरियर के बाद आता है यूरोन, फिर आता है मिशिगन, फिर आता है ईरी, फिर आता है ऑनटेरियो। यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, सॉरी मिस्टेक, सुपीरियर है, फिर यूरान है, फिर मिशिगन है, फिर ईरी है, फिर ऑनटेरियो है। अब सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स आ गया, तो उसके अंदर तो ग्रेट लेक्स का एक भाग है ऑनटेरियो। ऑनटेरियो जो ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है, ये भी ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील कौन सी बन जाती है, ऑनटेरियो। यहाँ से निकलते ही कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस के तट पे है क्यूबेक, सेंट लॉरेंस के तट पे है क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ये वाला भाग है मॉन्ट्रियल, और यहाँ पे आता है क्यूबेक। यानी कि मॉन्ट्रियल क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस नदी जो कहाँ गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, ये वाले भाग में गिर जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो यहाँ से दो नाम महत्वपूर्ण है, एक है कनाडा, कनाडा का मॉन्ट्रियल जो काफी फेमस है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, एक है और क्यूबेक। क्यूबेक जो बर्मिंघम से लेके क्यूबेक तक अप्लेसियन पर्वत का विस्तार है, वो कहाँ है, बर्मिंघम कहाँ है, ये वाला भाग जो क्या है, बर्मिंघम है, ये वाला। बर्मिंघम से लेके कनाडा के क्यूबेक तक अप्लेशियन पर्वत का विस्तार है। सेंट लॉरेंस नदी या अंतःस्थलीय जल मार्ग या सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्गों में से एक है। तो अब बात आती है अंतःस्थलीय जल मार्ग क्या होता है। दो स्थलों के बीच में से जब कोई मार्ग गुजरता है उसे बोलते हैं अंतःस्थलीय जल मार्ग। तो इस नदी के बेसिन पे ही मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, जो मॉन्ट्रियल है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर को देखते हैं, अप्लेशियन पर्वत से, अप्लेशियन पर्वत ये वाला जो है, ये अप्लेशियन पर्वत है। अप्लेशियन पर्वत से निकलती है हडसन नदी। हडसन नदी वह न्यूयॉर्क के क्षेत्र से, न्यूयॉर्क के पास से गुजरते हुए लॉन्ग आइलैंड के पास, लॉन्ग द्वीप जिसे बोलते हैं, उसके समीप गिरती है। तो
कहाँ से निकलती है ये? यह निकलती है अप्लेशियन पर्वत, एक यहाँ से हो जाएगा आंसर, कहाँ से निकलती है? तो अप्लेशियन पर्वत। तो यह एक क्वेश्चन दे सकता है कि न्यूयॉर्क से होके जाती है, वाशिंगटन डीसी से, तो ऐसे क्वेश्चन जाएगा तो वहां पे भी बन सकता है। कहाँ गिरती है? तो ये वाला भाग कौन सा है? ये आर्कटिक अटलांटिक महासागर, ये वाला भाग है, ये अटलांटिक महासागर है, यानी कहाँ गिरती है? ये अटलांटिक महासागर में। न्यूयॉर्क है यूएसए का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यूएसए का कौन सा है? न्यूयॉर्क। उसके बाद पोटोमैक नदी, वो कहाँ से निकलती है? सेम अपलेशियन पर्वत। कहाँ पे गिरती है? जेसप्की की खाड़ी में गिरती है, वाशिंगटन डीसी से होते हुए। यहाँ पे दो क्वेश्चन, इसके पहले वाला न्यूयॉर्क से होते हुए, और पोटोमैक नदी है वो कहाँ से जाती, कहाँ से होके? वाशिंगटन डीसी से होते हुए जेसप्की की खाड़ी में गिरती है। जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है जेसप्की की खाड़ी, इसको आप मैप में देख सकते हैं जेसप्की खाड़ी कहाँ पे है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी ये वाला भाग, ये वाला नदी सुपीरियर उच्च भूमि से निकलती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये हाईलैंड, सुपीरियर हाईलैंड, ये वाला क्षेत्र है जो सुपीरियर हाईलैंड, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी। जो ये वाला क्षेत्र है जो सेंट्रल लोलैंड, जो ये है सेंट्रल लोलैंड से होते हुए कहाँ पे जा रही है? ये यहाँ पे देखिए, या मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी सुपीरियर उच्च भूमि से निकलती है, जो सेंट्रल लोलैंड से होते हुए कहाँ गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी की एक सहायक नदी मिसौरी है, जो यहाँ पे देख रहे होंगे कहाँ से निकल रही है, यहाँ पे कौन सा है, ये वाला कौन सा भाग जो पूरा अलास्का से होते हुए, कनाडा से होते हुए, यूएसए से होते हुए, थोड़ा सा उसका भाग टच होता है, तो मैक्सी रॉकी पर्वत। तो ये वाला जो नीचे वाला जो मेक्सिको रॉकी पर्वत, रॉकी से निकलती है, निकलते हुए वह मिसिसिपी नदी में मिलती है। वो कौन सा जगह है जहाँ सेंट लुइस, जो फेमस क्षेत्र है सेंट लुइस, उसी के पास वो मिलते हुए, उसके बाद जब मिल जाती है मिसौरी नदी, जब मिसिसिपी से मिल जाती है, उसके बाद उसे मिसिसिपी कहा जाता है, उसके बाद उसे मिसिसिपी कहा जाता है। तो कहाँ गिरती है ये? मेक्सिको की खाड़ी में। जो ये सेंट लुइस वाला क्षेत्र है वो क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ मांस प्रसंस्करण उद्योग का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ पे मांस का ज्यादा मतलब प्रसंस्करण किया जाता है, यहाँ यहाँ से मांस का आदान प्रदान किया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए ये फेमस है। ये जो मिसिसिपी नदी का ये जो बेसिन क्षेत्र है, यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, कृषि की जाती है यहाँ पे। किस चीज ज्यादा खेती की जाती है? चावल और गन्ने का, यहाँ पे चावल और गन्ने की खेती यहाँ पे ज्यादा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, रियो ग्रांडे नदी, जो ये वाला है रियो ग्रांडे नदी, कहाँ से निकलती है? ये रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से, यानी कि यूएसए से होते हुए यह मेक्सिको में जाती है, और ये जो यूएसए और मेक्सिको के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, होते हुए यह कहाँ पे गिर जाती है? ये मेक्सिको की खाड़ी में। उसके बाद इसके इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, रियो ग्रांडे नदी कहाँ की नदी है, कहाँ से होके आती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से है इसका उद्गम स्थल? रॉकीज से। उसके बाद नेक्स्ट, कोलोरेडो नदी, ये वाला जो नदी है, ये वाला कोलोरेडो, ये कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से। यहाँ पे यूएसए में कोलोरेडो का ये जो भाग दिखा रहा है, ये पठार है, कोलोरेडो के पठार से होते हुए यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है।
तो ये कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ है? रॉकीज से, रॉकीज पर्वत से, कोलोराडो के पठार से होते हुए या कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसी के पास है एक एरिजोन राज्य, एरिजोन एक राज्य है, यहीं पर एक कैनियन बनाती है यह नदी, एक कैनियन बनाती है, घाटी का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन जो क्या है, विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। अब विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी, अब बात आती है कैनियन होता क्या है। कैनियन को दूसरा नाम देते हैं आई प्रकार की घाटी, अर्थात आई प्रकार की घाटी जैसे नदियों द्वारा, चलिए यहीं पे बना। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये है आई, आई आकार दिख रहा है। तो क्या हुआ कि जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था, तो इसके पहले भी नदियां अपने मतलब अपवाह हो रही थी, नदियों में अपवाह हो रहा था। तो क्या हुआ, इनका पर्वतों का निर्माण चलता रहता है, अब भी चल रहा है, अब भी पर्वतों में फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होता है, इन जो कुछ नदियों ने अपना जो अपवाह क्षेत्र है उसे नहीं बदला, वो क्या हुआ उसी क्षेत्र में वो अपवाहित होती रही। तो क्या हुआ कि उस क्षेत्रों को इन्होंने क्या अपरदित किया, अपरदित करने के बाद उन्होंने ये आकार ले लिया, जिसे आकार लेने बाद इसे क्या बोलते हैं, घाटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनियन। तो जो ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पे है, तो किस नदी पे है वो कोलोराडो नदी पर, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी। एक और चीज जो मिस हो गया, यहाँ एरिजोन के जस्ट ऊपर एक लेक मीड है, लेक मीड जलाशय, या यहाँ पे दो बांध बनाए गए हैं, दो बांध बनाए गए हैं कोलोराडो नदी को कंट्रोल करने के लिए, जिसे बोलते हैं हूबर और बाउल्डर, हूबर बांध और बाउल्डर बांध। तो इन नदियों का जो जो ये बांध होगा, पानी जहाँ पे रोका गया उस वाले भाग को बोलते हैं लेक मीड, जो एरिजोन के ऊपर है उसे बोलते हैं लेक मीड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोलंबिया नदी, नेक्स्ट है कोलंबिया नदी जो है यूएसए की नदी है। कहाँ से निकलती है, ये भी सेम वही रॉकीज पर्वत से निकलती है। तो आपका यहाँ पे काम क्या है, आपका एक काम है कि आप जितने भी रॉकीज पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती हैं उसको आप एक जगह नोट करेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो कोलंबिया नदी जो है वो निकलता है रॉकीज पर्वत से, तो यहाँ पे कोलंबिया स्नेक पठार है, जो यूएसए में कोलंबिया स्नेक पठार है, कास्केड, कास्केड जो कास्केड रेंज है यूएसए का, उसके जस्ट राइट में कोलंबिया स्नेक पठार है, उससे होते हुए कोलंबिया नदी बहती है। कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक, जो ये वाला है कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी, स्नेक कहाँ पे गिरती है, तो ये वाला जो भाग है पैसिफिक ओशियन। तो यह नदी कहाँ से निकलती है वो भी जान लिया आपने, और इसकी सहायक नदी कौन है वो भी जान लिया आपने। उसके बाद और जो कोलंबिया नदी है जो पश्चिम तट पे, यानी कि इधर वाला जो भाग है पूर्वी और पश्चिम तट पे गिरने वाली नदियों की में सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजर नदी देखते हैं, फ्रेजर नदी जो कहाँ से है, वे भी रॉकीज पर्वत से निकल रही है। जो जो फ्रेजर नदी है यह जो ये वाला देख रहे हैं वैंकूवर, वैंकूवर जो यह कौन सी जल संधि है, यहाँ पे जुआन डिफ्यूगा जल संधि। तो फ्रेजर नदी यहाँ पे एक था ब्रिटिश कोलंबिया स्नेक पठार, ठीक है, यह ब्रिटिश कोलंबिया स्नेक पठार, और यह है ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होती है फ्रेजर नदी। कहाँ से निकलती है, यह निकलती है रॉकीज पर्वत से निकलते हुए ब्रिटिश कोलंबिया, कोलंबिया से, यानी कि स्नेक ही है ब्रिटिश कोलंबिया स्नेक, ये वाला केवल ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर, जो एक बंदरगाह, बंदरगाह है
पैसिफिक ओशियन में गिरती है। तो नदियाँ, इतना ही नदियाँ हैं जो जो यहाँ पे मैंने सारे डाटा दिए थे, वो नदियाँ होगी। आप देख लेते हैं यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसौरी, सेकेंड में कौन सी, मिसिसिपी, और थर्ड पे कौन सी है, यूकॉन नदी, यानी कि सबसे लंबी लंबाई में। और कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैकेंजी, जो कहाँ पे गिरती है, बिगफोर्ड सागर या आर्कटिक महासागर में। दूसरी यूकॉन नदी, क्योंकि ये निकलती है कनाडा से, कनाडा के मैकेंजी पर्वत से। तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सेंट लॉरेंस, कहाँ से निकलती है यह नदी, आई थिंक जिसको मैं बताया हूँ, जो ग्रेट लेक्स की झील है, ठीक है, ग्रेट लेक्स की झील जो सबसे छोटी झील है वहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर।